ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे, जितने भी पढ़ने हैं हमने इसमें, ठीक है। वन बाय वन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इसके अंदर भी सब पार्ट बनेंगे। मैंने कैसी रिंग ली, यूनिफॉर्म रिंग ली और सेंटर पे निकालना चाहता हूँ। बहुत ध्यान सुनना, ये यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज सेम। यूनिफॉर्म रिंग मतलब डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेंटर में पढ़ना चाहता हूँ, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। हर डीएल लेंथ, हर यूनिट लेंथ पे क्या है? सेम चार्ज है। सही है बेटा, पक्का? तो यहाँ पर मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा? देखो, अगर मैं ये वाला डी क्यू एलिमेंट पकड़ूँ, ये वाला डी क्यू एलिमेंट पकड़ूँ, तो ये डी क्यू एलिमेंट इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा? अगर यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता तो कैसा फोर्स लगता नीचे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? नीचे। ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का? जो इसके सामने इधर डी क्यू होगा, बिल्कुल अपोजिट वाला, वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा ऊपर। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। किसी एंगल पे लो, इधर डी क्यू है, जो ये डी क्यू है, ये डी क्यू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। सही है। इसके जो सामने वाला डी क्यू होगा इधर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लगाएगा डी। सही है बेटा। इसके जो सामने वाला डी क्यू इधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, बोलो बेटा। और इसके सामने वाला इधर वाला इधर लगाएगा। तो हर एक के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कैंसिल होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी बेटा? जीरो। यूनिफॉर्म रिंग के केस में। सही है। इसी के अंदर एक सवाल सिंपल सा पूछता है, एग्जांपल इसी का ही, एक सिंपल एग्जांपल कई बार पूछा जाता है कि क्या है बेटा, एक रिंग है। क्या है? एक रिंग। ध्यान से देखना सभी बच्चे। एक रिंग में से ये डीएल एलिमेंट पार्ट रिंग में से बाहर निकाल के फेंक दिया। डीएल एलिमेंट पार्ट, डिलीवेंट पार्ट इज थ्रोन, फेंक दिया, और बाकी सारी जगह पे क्या है? चार्ज है। बाकी सारी जगह पे क्या है? चार्ज है। कोई चिंता की बात नहीं है। और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है बेटा? लैम्डा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आप फिर से सिंपल सी बात है, इधर वाला पेयर इसको काट देगा, जीरो बना देगा, ठीक है। इधर वाला पेयर जो होगा, इसके सामने वाला पेयर इसको काट देगा, जीरो बना देगा। अब बिल्कुल इसके सामने, या इसके सामने अगर मैं बात करूँ, ये डी क्यू है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, पक्का। अब यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका अपोजिट पेयर नहीं बनेगा। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी? जिंदा बचेगी, डी। कितनी बचेगी? डी बचेगा। के कितनी होगी? ये चार्ज डी क्यू अपॉन कितना? ये रेडियस आर का स्क्वायर। डी क्यू कितना होता है? डी क्यू अपॉन डी एल कितना होता है? डी क्यू अपॉन डी एल लैम्डा होता है। तो डी क्यू कितना होता है? लैम्डा डी एल। तो के, और वही डी एल जितना ये लेंथ काटा है आपने, वही डी एल सेम, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। दिस इज वॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। काफ़ी सिंपल है। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी बेटा? टुवर्ड द गैप, टुवर्ड द गैप। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? टुवर्ड द गैप, गैप की तरफ होगी, ठीक है। सिंपल है। ये यूनिफॉर्म रिंग था। क्या था ये? यूनिफॉर्म रिंग। अब हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म रिंग एट सेंटर पढ़ लिया, अब हम नॉन यूनिफॉर्म रिंग एट सेंटर पढ़ते हैं। चलो नॉन यूनिफॉर्म रिंग एट सेंटर पढ़ते हैं। अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्म होती तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है बेटा। क्या तब भी जीरो होती? अब मैंने बता रखा है नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग फंक्शन से है। ये बी नॉन यूनिफॉर्म एट सेंटर,
एट सेंटर। सही है बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, ये मेरी रिंग है, क्या ये रिंग, और जो चार डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इस बार ले लिया मैंने लैम्डा नॉट साइन थीटा है। कितनी है? लैम्डा नॉट साइन थीटा। आप साइन थीटा आप जानते हो, थीटा कौन सा एंगल है बता देता हूँ आपको, थीटा ही है एंगल है। तो साइन थीटा अगर है तो यहाँ जीरो, फिर यहाँ चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 180 डिग्री पे फिर लगभग लगभग जीरो हो गया, फिर नीचे 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता 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 यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यहाँ जीरो। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा लैम्डा नॉट साइन थीटा में? क्योंकि ये होगा डी क्यू अपॉन डी एल लैम्डा नॉट साइन थीटा। बहुत आसान है बेटा। डी क्यू कितना होगा? लैम्डा नॉट डी एल साइन थीटा। ठीक है, ये डी एल होगा छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, ये डी थीटा होगा, ये लेंथ का जो पार्ट होगा ये डी एल होगा। ठीक है, आर्क लेंथ डी एल होगी, ये रेडियस क्या होगा? आर होगा। तो आप बचपन से जानते हो लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल इंटू रेडियस, तो डी एल की जगह आप आर डी थीटा पुट करोगे तो डी क्यू क्या आएगा? लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जब तक जीरो से 90 है तब तक बढ़ता है, तो चार्ज तब तक बढ़ता रहेगा डी क्यू, फिर 90 से 180 तक फिर घटता रहेगा, पॉजिटिव में ही जीरो, फिर 180 से 270 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। समझे? ये आ गया डी क्यू। क्या आ गया? ये डी क्यू। बहुत सुंदर, डी क्यू आ गया। अब इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी कि नहीं होगी? पक्का डी होगी कि नहीं होगी? सत्य वचन होगी, बहुत ध्यान से सुनना। और जो इसके सामने वाला इधर होगा वो माइनस डी क्यू होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, 180 माइनस थीटा के लिए वैल्यू सेम रहती है साइन में, बिल्कुल अपोजिट होगा। और ये डी इधर ही होगा, इधर ही खींचेगा अपनी तरफ। बोलो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 2D हो जाएगी। ये पॉजिटिव डी क्यू काउंट कर लिया, नेगेटिव डी क्यू भी काउंट कर लिया। समझे? पक्का? सिमिलरली मैंने क्या किया, इधर थीटा दूरी पे एक डी थीटा बनाया। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ये बना लिया, इस पे डी क्यू चार्ज है, ये इधर रिपेल करेगा डी से, इधर एक माइनस डी क्यू होगा, वो इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट कर देगा 2D से, क्योंकि 2D टोटल हो जाएगा डी प्लस डी दोनों का। सही है बेटा, पक्का? तो कुल मिला के कहानी क्या बनी? कुल मिला के कहानी ये बनी, अब इधर आएगा 2D और इधर भी आएगा 2D, ध्यान से देखो, ठीक है, और ये ऐसे है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सही है, तो कौन सा कंपोनेंट कटेंगे? 2D का कोस थीटा इधर आएगा और 2D का कोस थीटा इधर आएगा, कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, एक दूसरे के अपोजिट है। और इधर क्या आएगा? 2D का साइन थीटा। और इधर क्या आएगा इसकी वजह से भी? 2D का साइन थीटा। अरे बोलो, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड। तो बस सिंपल खत्म हो गया क्वेश्चन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 2D का साइन थीटा, 2D का साइन थीटा। और कहाँ से कहाँ तक? थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर यहाँ से पहला डी क्यू, फिर अगला डी क्यू, फिर डी क्यू स्टार्ट हो रहा है 180 तक। क्यों 360 तक क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि मैं इस डी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये माइनस डी क्यू पढ़ चुका हूँ, अभी तो मैंने 2 लिखा था। सही है, ऐसे इस डी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला माइनस डी क्यू पढ़ चुका हूँ, तो नीचे वाली पूरी रिंग पढ़ चुका हूँ मैं, हाफ रिंग। जब मैं ऊपर वाली हाफ रिंग पढ़ रहा था उसके अंदर ही मैंने तो नीचे वाली रिंग भी पढ़ ली, क्योंकि डबल डबल मैंने पहले ही कर दिया 2। समझे? तो 2D का साइन थीटा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 to 2 हुआ, डी कितना हुआ? डी बताओ, डी होता है के डी क्यू अपॉन रेडियस का स्केयर, ये तो यही होता है बचपन से, इंटू साइन थीटा। इंटू व्हाट? साइन थीटा। बहुत सुंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2K r² बाहर निकाल दो, ये 2K r² बाहर निकाल दिया, डी क्यू की जगह डाला लैम्डा नॉट आर, इधर साइन थीटा, इधर साइन थीटा, बचा साइन स्केयर थीटा डी थीटा, और लिमिट जीरो से पाई 180 डिग्री।
जीरो से पाई, और डायरेक्शन डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि ये 2d का साइन थीटा और ये 2d का साइन थीटा नीचे है, सही है, पक्का सही है। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर हमने 4d का साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, तो लिख सकते हो आप जिसमें लिखना है 4d का साइन थीटा, उस केस में आप लिमिट 0 से 90 लोगे, क्यों, क्योंकि जब आप 4d का साइन थीटा लिखोगे बेटा तो आप अपने अपने आप ही 2d ये वाला और 2d ये वाला भी काउंट कर चुके हो, यानी ये दोनों चार्ज काउंट कर चुके हो आप एक ही बारी में, समझे, तो आप 0 से 90 लोगे तो ये पूरा काउंट हो गया और इसके अंदर फिर ये नीचे वाले भी काउंट होते रहे, समझे। तो 4d का साइन थीटा ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से 90 लेना। अगर 2d का साइन थीटा ले रहे हो तो सारे डिग्री जोड़ो यहां तक, 180 लेना, और अगर d का साइन थीटा ले रहे हो तो 0 से 360 लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया होगा आपको। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी रह गई, बस खत्म हो गया काम। 2k लैम्डा नॉट अपॉन r नीचे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, इंटीग्रल डी थीटा होता है, सही है। ओके बच्चों, तो 2 के लैम्डा नॉट अपॉन 2 आर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा बन गया, सही है। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, के लैम्डा नॉट अपॉन आर, ये थीटा बन गया बेटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, सही है। माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई, सही है। तो जब अपर लिमिट डालेंगे बेटा तो पाई आएगा, लोअर लिमिट डालें अपर लिमिट डालेंगे तो पाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, ये पाई आएगा, तो कितना आएगा, के लैम्डा नॉट अपॉन आर आएगा पाई, अपर लिमिट तो ये आएगी, और लोअर लिमिट 0 डालोगे यहाँ 0, और साइन 0 डालोगे वहाँ भी 0, तो लोअर लिमिट 0 बनेगी। तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के लैम्डा नॉट पाई बाय आर, के लैम्डा नॉट पाई बाय आर, ठीक है बेटा, सिंपल है, एकदम आसान है, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब ये हमने पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में भी हमेशा ये रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लैम्डा नॉट साइन थीटा नहीं होगा हर बार, कभी कॉस थीटा भी हो सकता है, कभी और फंक्शन भी हो सकता है कोई, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट एक्सिस नॉट एट सेंटर, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग का एक्सिस देखो, ये रिंग है, रिंग का प्लेन क्या है बेटा, रिंग का प्लेन है एक्स वाई, या वाई जेड ले लो, क्या प्लेन है रिंग का, वाई जेड, सही है। और ये एक्सिस है रिंग की एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, ये रेडियस है रिंग का, ये रिंग का क्या है बेटा, रेडियस आर, ठीक है। इस रिंग पे चार डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार डिस्ट्रीब्यूटर रिंग पे, और रिंग का प्लेन क्या है, वाई जेड, रिंग का प्लेन क्या है बेटा, वाई जेड है, समझो कि ये रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है, ये रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है, ठीक है। ये रिंग का प्लेन, रिंग का जो प्लेन है, रिंग का प्लेन क्या है, वाई जेड, ठीक है। और रिंग के सेंटर से पास होने वाली लाइन इस तरफ कितनी एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, सही है डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब क्या किया बेटा, अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे एक्स दूरी पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्स दूरी पे, सेंटर से एक्स दूरी पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सोचने वाली बात यह है, ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि ये डी क्यू है यहाँ पर, डी क्यू, ये डी क्यू इसको रिपेल करेगा इधर डी से, पॉइंट चार्ज मान लिया मैंने, इधर एक डी क्यू है वो इसको रिपेल करेगा, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इवन हर डी क्यू रिपेल करेगा और कौन बनेगा, क्या बनेगा, कौन। अब देखो कैसे बनेगा कौन, इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो, ये रिंग है, ये वाई जेड प्लेन है रिंग का, कैसा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ध्यान से देखो। तो ये रिंग की एक्सिस हुई एक्स, ये एक्सिस हुई कि नहीं हुई एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, मैं ढंग से समझाऊंगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है।
ये सेंटर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने, इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर रिपेल किया ऐसे ऐसे, सही है। इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर रिपेल किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर रिपेल किया, नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज ने इधर रिपेल किया, इस वाले पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया, तो एक कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो एक कोन बन रहा है, क्या बन रहा है? एक कोन, ये कोन का वर्टेक्स है, ठीक है, और ये कोन का बेस है। नीचे जो सर्कल बनाया वो कोन का बेस है और ये कोन का वर्टेक्स है। बोलो सही बात है कि नहीं है? एकदम सच्ची बात है। अगर एकदम सच्ची बात है तो और अच्छी चीज़ देखो, और अच्छी चीज़ देखो, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये रिंग, ये एक्सिस और ये इस लाइन, तो ये की लाइन बन गई कि नहीं बन गई? ये लाइन देखो, तो ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल तो थीटा ही है इस वाले चार्ज के साथ, इधर इस वाले चार्ज के साथ इधर थीटा ही है, इस वाले चार्ज के साथ इधर थीटा ही है, ये भी तो थीटा ही है, काले और नीले में टोपी टोपी के बीच में। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे एंगल क्या है? थीटा है, सही है। तो मैंने क्या किया, ये थीटा मान लिया, ये एक्स दूरी थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो इधर आया थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स थे वो कौन से आए? डी कॉस थीटा, सारे सारे के सारे कौन से आए? डी कॉस थीटा। ध्यान से देखो, इधर ये ऐसे है, ये थीटा है, तो एक्स में डी कॉस थीटा, ये ऐसे है, तो इधर सामने एक्स में डी कॉस थीटा, ये ऐसे है, इधर सामने एक्स में डी कॉस थीटा, सही है। तो डी कॉस थीटा सारे के सारे इधर आए, पक्का। और डी साइन थीटा बन गया सर्कल, डी साइन थीटा का बन गया सर्कल, ऐसे कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे हुए। बोलो सही बात है। वो सारे दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये डी साइन थीटा वाले क्या हो गए? सारे कैंसिल हो गए। क्यों? ध्यान से देखो फिर से, ये था, ये ऐसे था कि नहीं था? ये ऐसे था, ये ऐसे आया, तो इसका सामने डी कॉस थीटा, नीचे डी साइन थीटा, नीचे डी साइन थीटा। और अब इसका देखो, इसका देखो, बिल्कुल नीचे वाले का इधर ऐसे, तो इसका सामने डी कॉस थीटा, सामने क्या? डी कॉस थीटा, और ऊपर क्या? डी साइन थीटा। तो नीचे ऊपर डी साइन थीटा कट गए कि नहीं कट गए? ऐसे ही हर एंगल पे आएंगे, ऐसे ही किस पे आएंगे? हर एंगल पे आएंगे। तो डी साइन थीटा वाले क्या होंगे? कैंसिल होंगे, और डी कॉस थीटा वाले क्या होंगे? ऐड होंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज अलोंग एक्सिस, ठीक है। और कितनी होगी? कितनी होगी? इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, सही है। अब डी निकालना है, डी निकालना तो बहुत आसान है, ये डी क्यू है, ये कितना है? एक्स है, तो ये दूरी कितनी है? ये आर है, तो ये दूरी कितनी है बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के टी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है बेटा। ये कॉस थीटा तो यहीं से ही आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? के डी क्यू, डी क्यू एक बार ऐसे लिख देते हैं। आर कितना है? आर कितना है? आर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था, उसका स्क्वायर किया, खत्म हो गया। कोस थीटा, कोस थीटा देखो, इस ट्रायंगल में कोस थीटा, इस ट्रायंगल में कोस थीटा, बेस क्या है? बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है बेटा। तो कितना आ गया? ये आ गया के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन, ये पावर वन बाय टू, वन प्लस वन बाय टू पावर कितनी हो गई? थ्री बाय टू। और ये आ गया डी क्यू और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि x फिक्स है, r फिक्स है, x भी फिक्स है, हमें एक पॉइंट पता है सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रेडियस ही फिक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के, और ये सारा चार्ज इंटीग्रेट डी क्यू, डी क्यू इंटीग्रेट होगा, कितना बन जाएगा? क्यू। कितना बन जाएगा? क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू था इसमें, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहते हो आप, वो भी लिख सकते हो कि क्यू चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड? टू पाई आर पे, और वो कितना है? लैम्डा। तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हो, के को खोल सकते हो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q
को खोल सकते हो लैम्डा इंटू टू पाई आर, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, पाई से पाई गया, 2 से 4 गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो लैम्डा आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कि ये नेट इलेक्ट्रिक, सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने एक्सिस ऑफ रिंग पे। किस पे निकाल ली? एक्सिस ऑफ रिंग पे। आपको फॉर्मूला ध्यान ही रखना होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की एक्सिस पे आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली एक्सिस में, ठीक है, अब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है ये पढ़ेंगे, ग्राफ कैसा होने वाला है ये पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना, का डेरिवेशन कराया था मैंने। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे, एक नोट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना। ये नोट काफ़ी फेमस है और डायरेक्ट इस नोट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इस नोट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नोट ये है कि मुझे निकालना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो आपको दिखाई दे रहा है के क्यू आर, ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है बेटा? फिक्स है। मुझे एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बतानी है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर कोई फंक्शन दिया हो, मान लो मुझे वाई दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अगर इस वाई की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूँ मैं, अगर मैं इस वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूँ तो के क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करूँगा, जीरो पुट करूँगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो डबल डेरिवेटिव क्या पुट कर, सिंगल डेरिवेटिव क्या पुट करते हैं हम, जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा यू और ये बनेगा सारा नंबर बेटा वी, सही है। तो यू बाई वी से डिफ्रेंशिएशन होगी, यू बाई वी से डिफ्रेंशिएशन होगी, तो कैसी डिफ्रेंशिएशन होगी जल्दी बताओ सभी बच्चे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले क्वालिटीज लिखते हैं, तो लिख दो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, लिख दिया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कर दिया बेटा, माइनस, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वालिटीज लिखते हैं एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले नंबर का, तो ये पावर 3/2 है तो क्या होगा, ये 3/2 पावर बाहर आ जाएगी और क्या बनेगा, ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 1, क्या बनेगा, पावर 3/2 माइनस 1 बनेगा, सही बात है। चेन, यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या लगाया, पावर रूल लगाया। अब अंदर, ये अंदर जो फंक्शन है, ये जो अंदर फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ये चेन रूल लगा दिया कि नहीं लगा दिया बेटा हमने, बिल्कुल आसान है। और नीचे करना है, नीचे इसका स्क्वेयर करना है, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 का स्क्वेयर करोगे तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस नंबर को इधर ले जाओगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 है, यहाँ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर क्या थी बेटा, 3/2, तो इन दोनों से पावर 1/2 कॉमन निकाल लो, पावर 1/2 कॉमन निकाल लो, जीरो के साथ उसको डिवाइड में ले जाओ, जीरो हो गया। तो क्या बचा, अब कुल मिला के बचा 0 = यहाँ पावर 1/2 कॉमन निकल चुकी है तो बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। जब 3/2 में से पावर 1/2 कॉमन निकल जाएगी तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 बचेगा, ठीक है, माइनस 3/2, ये तो निकल चुका है बेटा, और ये 2x है और ये x है, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ये वाला 2 से 2,
सही है, ये एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पावर बाहर निकल चुकी है और थ्री के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो समझ में आया पक्का? ये हटा दो इसको, तो कितना आ गया बेटा, आर स्क्वायर आ गया टू एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, टू एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस आर बाई रूट टू, यानी इस एक्स की वैल्यू के लिए, इस एक्स की वैल्यू के लिए मेरा वाई क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। मेरा वाई क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसको अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, मैक्सिमा के लिए क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप समझ जाओगे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। मैं करके नहीं दिखा रहा, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बेटा, हम एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आर बाई रूट टू, तो वाई में डालोगे जब एक्स, तो कितना आएगा वाई, वाई आएगा, मैं प्लस वाली डाल के दिखा रहा हूँ, तो कितना आएगा, आर बाय रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह डालोगे जब आर बाय रूट टू, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बाय टू, और इसकी पावर क्या आएगी बेटा, थ्री बाय टू। इसकी पावर क्या है, थ्री बाय टू। थ्री बाय टू पावर का मतलब क्या होता है, इसकी पावर वन और इसकी पावर साथ में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय टू की पावर साथ में वन बाय टू, तभी तो पावर थ्री बाय टू बना होगा ये। बोलो सही बात है कि नहीं है, एकदम सही है। तो क्या करोगे बेटा, वाई आ जाएगा आर बाय रूट टू, ये कितना आएगा, ये आएगा थ्री आर स्क्वायर बाय टू, और ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा रूट थ्री बाय रूट टू, क्योंकि रूट है ना बाहर, और आर स्क्वायर का रूट हटके आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। इस r से ये r उड़ जाएगा, इस रूट टू से ये रूट टू उड़ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा टू बाई थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। मैक्सिमम क्यों आ रही है बेटा, क्योंकि मिनिमम तो x इक्वल टू जीरो पे ही आ रही है। मिनिमम किस पे आ रही है, x इक्वल टू जीरो पे ही आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, टू बाई थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब डबल सिंगल डेरिवेटिव जीरो करने पे मैक्सिमा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है मिनिमा, तो मिनिमम जो वैल्यू है इस फंक्शन की वो किस पे आ रही है, एक्स इक्वल टू जीरो पे आ रही है, ठीक है ना बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाई आ गया, वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी के क्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टू के क्यू अपॉन थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, टू के क्यू अपॉन थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ बेटा इसका कैसे प्लॉट होगा, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका, ठीक है। या पहले से पढ़ चुके थे क्या फॉर्मूला होता है, मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पढ़ाया आपको, नोट पढ़ाया, क्या पढ़ाया, नोट पढ़ाया, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आती है आर बाय रूट टू पे और माइनस आर बाय रूट टू पे, यानी यहाँ और यहाँ कहीं, ठीक है ना, ये आर बाय रूट टू है और ये क्या है, माइनस आर बाय रूट टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअली में ये रिंग थी, ये क्या थी, रिंग, ये एक्सिस थी, और ये आर बाय रूट टू वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है माइनस आर बाय रूट टू वाला, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रिंग है, ये क्या है रिंग, इस पर पॉजिटिव 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 चार्ज है वाई जेड प्लेन में, किस में है ये, वाई जेड प्लेन में। अगर मैं इधर देखूंगा, इधर देखूंगा, तो ये सारा चार्जेस मिला के इधर रिपेल करेंगे टेस्ट चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, यानी जब मैं एक्स का प्लस वाला कोऑर्डिनेट देखता हूँ, प्लस आर बाय रूट टू वाला कोऑर्डिनेट देखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, डायरेक्शन क्या है उसकी, एक्स एक्सिस में। अगर मैं देखता हूँ माइनस आर बाय रूट टू वाला, तो ये सारे चार्जेस मिलके, ये सारे चार्जेस मिलके बेटा, पॉइंट चार्जेस मिलके, यानी पूरी रिंग मिलके, यहाँ पर जो फोर्स लगाएगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो इधर लगाएगी, सही बात है, रिपेल करना है ना, क्या करना है, रिपेल। तो नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, और एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रही है, ठीक है, पक्की बात है। और एक्स की वैल्यू जब इन्फाइनाइट लेता हूँ मैं,
तो क्या किसको टेंड कर रहा है नंबर? ये नंबर जीरो को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है बेटा? जीरो को टेंड कर रहा है। आप इस एक्स को नीचे ले जाओ, इस एक्स को क्या करो, नीचे ले जाओ डिवाइड में और इसके अंदर घुसा दो, तो ये लगभग लगभग किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा। आप देख सकते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ये ऐसा, ये यहाँ पर r बाय रूट टू पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और x की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंड करेगी? जीरो को टेंड करेगी। क्यों टेंड करेगी? आपको पता है आप किसी भी सिस्टम से, सिस्टम ऑफ चार्ज से, आप अगर किसी टेस्ट चार्ज को बहुत दूर ले जाओगे तो उसका इन्फ्लुएंस उस पर क्या हो जाएगा? लगभग लगभग जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग लगभग क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली इधर ये नेगेटिव क्यों बना रहा हूँ बेटा मैं? ये नेगेटिव क्यों बना रहा हूँ मैं बताओ? ये नेगेटिव इसलिए बना रहा हूँ मैं, नेगेटिव में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि माइनस आर बाय रूट टू वाले कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, इस तरफ। माइनस आर बाय रूट टू वाले कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो माइनस आर बाय रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में है और प्लस आर बाय रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव में। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये भी अभी निकाली आपने ई मैक्स, ये भी अभी आपने निकाली है ई मैक्स, ठीक है। और इधर भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? नीचे भी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर कितनी है? ई मैक्स। सही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इधर है तो यहाँ पर क्या है? माइनस आर बाय रूट टू पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। कहाँ पे है? नेगेटिव एक्सिस में। एक्स इक्वल टू जीरो है, क्या है बेटा ये? एक्स इक्वल टू जीरो, सही है। और ये कोऑर्डिनेट है माइनस आर बाय रूट टू, माइनस आर बाय रूट टू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स ग्राफ, ठीक है। आपसे पूछ सकता है मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स ग्राफ बनाओ, मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स ग्राफ, तो भी बना देंगे हम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ध्यान से सभी बच्चे, मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? कि पॉजिटिव में बनेगा ग्राफ। किसे बनेगा? पॉजिटिव में वर्सेज एक्स, वर्सेस एक्स। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और ये क्या होगा? आर बाय रूट टू, और ये कितना होगा? माइनस आर बाय रूट टू। और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई मैक्स होगी। कितनी होगी बेटा? ई मैक्स, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड ऑफ ई मैक्स, या फिर ई मैक्स ही लगा लो, मॉड ही है यहाँ पे। ई मैक्स का तो मैग्नीट्यूड ही लिख रखा है ना मैंने, यहाँ क्या लिख रखा है? मैग्नीट्यूड ही लिख रखा है। सही है बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए इस नोट के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू एक्सिस पर कहाँ होती है, कितनी होती है, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा होता है और उसके मोड का ग्राफ कैसा होता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। एक आर्क की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। कहां पर? उसके सेंटर पर, ठीक। तो ध्यान से देखना होगा आपको सभी बच्चों को। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या किया बेटा? ये मान लो क्या है? आर्क है, ये कोई आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क का क्या है बेटा? ये आर्क का सेंटर है, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर्क का सेंटर है, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ आर्क, ठीक है। और इस एंगल, ये पूरा एंगल कितना है बेटा? ये पूरा एंगल है मान लो अल्फा। कितना एंगल है पूरा? अल्फा। इस आर्क के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा एंगल अल्फा है। मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो, हमारा क्या काम होता है, आप मुझे बताओ हमारा क्या काम होता है। हमारा काम होता है कि जब हमें कॉन्टिन्यूस बॉडी गिवन होती है तो हमें एक डी क्यू चार्ज लेना होता है। उस डी क्यू चार्ज की वजह से जहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ वहाँ पर मुझे एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे हम, तो यहाँ पर एक डी क्यू चार्ज लेंगे छोटा सा। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं, गड़बड़ ना करना बिल्कुल भी, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया डी क्यू चार्ज, ठीक है, और ये ऐसा समझो, ठीक है,
ये ले लिया डी क्यू चार्ज, और ये क्या हो गया बेटा, ये जिस ये जो डी क्यू चार्ज है ये मान लो थीटा एंगल ऊपर पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये डी थीटा एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग डी क्यू चार्ज पढ़ रहा हूँ, किसे कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ रहा हूँ, डी थीटा एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग डी क्यू चार्ज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है, ये आर्क की लेंथ है बेटा डी एल, कितनी आर्क की लेंथ है डी एल, जो कि क्या होती है आर डी थीटा, क्या होती है आर डी थीटा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी कि नहीं होगी, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगी कि नहीं होगी, ऐसी सभी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डी होगी, बिल्कुल सही बात है। सिमिलर मैंने एक नीचे लिया, सिमिलर मैंने क्या किया बेटा, एक नीचे एलिमेंटल पार्ट लिया, ठीक है, उतनी नीचे जहाँ पर जितनी नीचे ऊपर पॉजिटिव पड़ा है उतनी नीचे मैंने एक एलिमेंटल पार्ट इधर लिया, ये डी क्यू ले लिया, फिर से डी एल लेंथ का ले लिया, ठीक है, फिर से डी थीटा एंगल का ले लिया, फिर से नीचे थीटा एंगल पे लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी इधर कितनी होगी, डी होगी, कितनी होगी बेटा डी होगी। अब ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है, सही है पक्का। तो आप ध्यान से देखो, जब ऊपर वाला डी क्यू चार्ज आ रहा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल जब नीचे वाला डी क्यू चार्ज आ रहा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट रिजोल्व करूँ, ध्यान से देखना, ये सेंटर था, ये सी सेंटर था ना आर्क का सेंटर, अगर मैं इसे कॉम्पोनेंट रिजोल्व करूँ तो डी कॉस थीटा इधर आएगा, इसका डी कॉस थीटा इधर आएगा, ठीक है, और इसका डी साइन थीटा ऊपर आएगा, इसका डी साइन थीटा नीचे आएगा, तो यानी डी साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, और डी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो गाम क्या मिलने वाली है, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, मतलब डी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट मुझे ऐड करने हैं, क्या करने हैं, ऐड करने हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कई बच्चों का कन्फ्यूजन डाउट होता है, सर 2DE cos थीटा लो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप 2DE cos थीटा ले सकते हो, लेकिन अगर आप 2DE cos थीटा लोगे यहाँ पर तो आप लिमिट क्या लोगे, आप लिमिट लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लिमिट लोगे आधी रिंग की, क्यों, क्योंकि 2DE का मतलब आप नीचे वाला पार्ट तो काउंट कर रहे हो ना, सही बात है, लेकिन जब आप DE cos थीटा लिखोगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे चार्ज की इंटीग्रल, सारे चार्ज को क्या करोगे, काउंट करोगे, सही है, लिमिट्स लोगे, यानी अगर एंगल में लिमिट है, थीटा में लिमिट है, तो यहाँ आएगी माइनस, इधर देखो थीटा नीचे की तरफ, नीचे वाला एंड कहाँ मिल रहा है, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो नीचे वाला जीरो डिग्री यहाँ पे एंगल है, तो नीचे वाला एंड कहाँ मिल रहा है, माइनस अल्फा बाई टू पे, और ऊपर वाला एंड कहाँ मिल रहा है, अल्फा बाई टू पे, क्योंकि टोटल एंगल अल्फा है और यह बाइसेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती कहाँ है, अलॉन्ग बाइसेक्टर, सबसे पहली बात, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर सबसे पहली बात, सही है, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, या तो ऐसे पढ़ लो, या इसका एक तरीका और भी है, ये लिख लो आप, इनर्ट क्या होता है, डी कोस टू डी कोस थीटा होता है, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से अल्फा बाई टू तक, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, सेंटर लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर, सही है, क्योंकि डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कट रहे हैं ना, सही है, और इवन आप जब सोल्व करोगे इंटीग्रल डी साइन थीटा को, ठीक है, चाहे माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू के लिए कर लेना, चाहे टू डी साइन थीटा को जीरो से अल्फा बाई टू के लिए कर लेना, इसका रिजल्ट सोल्व करके जीरो आएगा, जो मैंने आपको डायरेक्ट दिमाग से ही समझा दिया है कि जीरो क्यों आता है, ठीक है, अगर आप इंटीग्रल भी सोल्व करोगे तब भी जीरो आएगा, इंटीग्रल भी सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, तो आप इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा टू, अब डी क्या है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस होगा ना आर, ये डी क्यू चार्ज इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और डी क्यू चार्ज आए तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो लिख लो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख लिया, और साथ में कोस थीटा, इंटीग्रल जीरो से अल्फा बाई टू, बोलो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बालक को, किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, बोलो सही है, एकदम सही है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 2DE sin थीटा नहीं कर सकते आप, पूछो क्यों, यहाँ पर माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू ही लेना पड़ेगा,
क्योंकि एक डी साइन थीटा ऊपर है तो एक डी साइन थीटा नीचे है, तो अब 2d साइन थीटा काउंट ना करोगे इसको, आप माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू काउंट करोगे और यहीं से जीरो आएगा। सही है, ध्यान रखना इस बात का, गड़बड़ मत करना वहाँ पे, ठीक है। खैर, तो dq कितना आएगा, dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है dl लेंथ के ऊपर, और वो dl लेंथ कितनी है, वो है लैम्डा, ठीक है। कितना है लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है बेटा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो डीएल कितना है, आर डी थीटा है, तो डी क्यू आएगा लैम्डा आर डी थीटा, डी यू कितना आएगा लैम्डा आर डी थीटा, तो उठा के पुट कर दो आप, कितना आएगा, यह आएगा 2k बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, लैम्डा आर भी बाहर निकाल लो, डी क्यू जगह पुट कर दिया, डी थीटा बचा, तंत्र बचा cos थीटा d थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से अल्फा बाय टू तक। सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, पक्का देख लो, कोई चिंता की बात नहीं है। कितना आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगी, ध्यान से देखो, जब आप cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो sin थीटा आता है, क्या आता है, sin थीटा, तो 2k लैम्डा बाय r आ गया, क्योंकि r स्क्वायर से एक r कट गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो गया, लिमिट डली 0 से अल्फा बाय 2, तो कितना आ गया 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, ठीक है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं आप, 0 आएगा, पूछो कैसे, जब आप यहाँ पे लिखोगे d, तो d क्या बनेगा, देखो यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, डी बनेगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी बनेगा, और डी क्यू की जगह डालोगे लैम्डा आर डी थीटा, तो बनेगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर बनेगा, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल माइनस अल्फा बाय टू से अल्फा बाय टू, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस कोस थीटा, क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, तो आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे, के यहाँ पे लिख दो चाहे आप, अंदर वाले को कर रहा हूँ सिर्फ, तो आएगा माइनस कोस थीटा, फिर जब लिमिट डालोगे आप माइनस अल्फा बाय टू से अल्फा बाय टू, तो अपर लिमिट डालोगे बनेगा कोस अल्फा बाय टू, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालोगे कोस माइनस अल्फा बाय टू, लेकिन कोस माइनस अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू ही होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है और बीच में माइनस का साइन है, ये नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो गलती मत करना बिल्कुल भी, 2d साइन थीटा वाली, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2d कोस थीटा आप सेम डायरेक्शन में ऐड कर सकते हो, इसका d कोस थीटा और इसका d कोस थीटा, समझे, लेकिन d साइन थीटा तो अपोजिट है ना, d साइन थीटा क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल ही होंगे, वो 2d साइन थीटा नहीं बनेगा, 2d साइन थीटा नहीं बनेगा, उसको ध्यान रखना हमेशा, सही है, पक्का। तो आप d साइन थीटा को माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 ले लो, जीरो प्रूव कर लो इंटीग्रेशन करके, या डायरेक्ट ऐसे पढ़ सकते हो कि अपर में एक d साइन थीटा नीचे मिलता है तो लोअर में एक d साइन थीटा ऊपर मिलता है, और वो दोनों दूसरे को कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट पढ़ लो जीरो है, और मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया जीरो है, ठीक है ना, ध्यान रखना इन बातों का। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, आर्क के सेंटर पे 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, अल्फा पूरा एंगल है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, आर रेडियस है रिंग का, और k तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, इन बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लग का रही है अलोंग एंगल बाई सेक्टर, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क क्या होती है, ये आर्क है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ऐसे समझो ये हमारी आर्क है, ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है, पूरा एंगल अल्फा है, ये आर रेडियस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है अलोंग एंगल बाई सेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है अलोंग एंगल बाई सेक्टर, तो इसका एंगल बाई सेक्टर कहीं ऐसा होगा, ठीक है ना, अलोंग एंगल बाई सेक्टर आ रही है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का एकदम सही है। अब आगे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू निकाली आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली आपने 2k λ/r साइन ऑफ एंगल अल्फा बाय टू, अल्फा पूरा एंगल था, अल्फा पूरा एंगल था, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर इस पर क्यू चार्ज गिवन होता है सारा, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते थे कि लैम्डा को लिखते चार्ज और लेंथ कितनी है, ये लेंथ क्यू चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, आर इंटू एंगल आर अल्फा, तो लैम्डा की जगह आप क्यू बाय आर अल्फा भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 2k q/αr² साइन ऑफ अल्फा बाय टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर क्यू चार्ज पूरा गिवन है, लैम्डा की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों बातें सिंपल है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला केस सेमी सर्कल के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं, सेमी सर्कल के लिए। हाँ जी, जब आप सेमी सर्कल के लिए पढ़ेंगे तो सेमी सर्कल ऐसा होने वाला है, सही है, सेमी सर्कल ऐसा होने वाला है। तो ये अल्फा एंगल कितना बन जाएगा सेमी सर्कल के केस में, सेमी सर्कल के केस में एंगल कितना बन जाएगा, तो सेंटर पे एंगल बन रहा था यहाँ पे, ये आर्क थी तो सेंटर पे एंगल अल्फा था, ये अल्फा एंगल कितना बन जाएगा जब ये पूरी की पूरी सेमी सर्कल हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये 180 डिग्री बन जाएगा अल्फा, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ है, अलॉन्ग एंगल बाय सेक्टर, तो 180 डिग्री का एंगल बाय सेक्टर 90 डिग्री है, यानी यहाँ आएगी बिल्कुल नीचे, सही है। और कितनी आने वाली है, कितनी आने वाली है, लगा दो यहाँ फॉर्मूले में 2k λ/r साइन 180/2, साइन 180/2 साइन 90, साइन 91 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2k λ/r, कितनी आ गई 2k λ/r, सेमी सर्कल के लिए आसान हो गया एकदम, ठीक है। बी पार्ट, क्वार्टर सर्कल के लिए अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ऐसे दिया जाए आपको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये क्वार्टर रिंग है, ये क्वार्टर रिंग है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल सब टेंड कर रही है, ये क्वार्टर रिंग है, अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा एंगल कितना बन गया 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आनी है, अलॉन्ग एंगल बाय सेक्टर आनी है, तो एंगल बाय सेक्टर होता है 45 डिग्री में, ये आनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आनी है, और ये एंगल कितना होना है बेटा 45 डिग्री होना है, कितना एंगल होना है ये 45 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है मान लो और ये क्या है वाई एक्सिस है मान लो, सही है। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, सबसे पहली बात तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k λ/r, 2k λ/r साइन 90/2, साइन 90° / 2 साइन 45°, साइन 45° होता है 1/√2, तो नीचे रूट टू आएगा और ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, सही है, क्योंकि 2 था ना ऊपर और नीचे रूट टू आएगा, तो 2/√2 ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप, अब इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा ई कॉस 45°, वो होगा आई कैप में ई साइन 45°, ई का साइन का 45° नीचे, लेकिन वो माइनस जे कैप में, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप इसको, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई कितना है 2k λ/r कॉस 45° 1/√2, तो k λ/r आई कैप ये कितना बनेगा, फिर से साइन 45 भी वही होता है k λ/r माइनस जे कैप, तो ये कॉमन ले लो आई कैप माइनस जे कैप, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप। क्वार्टर सर्कल के लिए अल्फा कितना एंगल है 90° है, सही है। तो आप ऐसे किसी के लिए पढ़ सकते हो, आप 60° वाली आर्क के लिए पढ़ सकते हो, तो आपको फॉर्मूला पता लग गया, आप पढ़ सकते हो हमेशा, ठीक है। ए बी थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका।